हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूब। फ्रेंड्स, टेक ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक ट्यूब। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी इंपॉर्टेंट, जैसे कि कोई फाइल हो गई या फिर फोटोज हो गए या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया या कोई सॉफ्टवेयर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर है, फोटोज या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसको कोई एक्सेस ना कर पाए आपके पर्सनल कंप्यूटर में, या फिर अगर आप जैसे शेयरिंग कंप्यूटर मीन्स कि आप जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई बहन के साथ या फिर आप अपने कस्टमर्स के साथ अगर आप लैपटॉप का शेयरिंग करते हैं या फिर किसी कजिन वगैरह के साथ अगर आप जो है कि लैपटॉप जो है कि उसके हाथ में देते हैं और प्रॉब्लम आपको ये रहता है कि आपकी जो फाइल है कहीं वो खोल के देख ना ले या फिर आपकी जो फाइल है वो कहीं से वो एक्सेस ना कर पाए, अदरवाइज अगर वो कॉपी करके अपने दूसरे लैपटॉप में भी डाल देता है तो भी उसकी जो फाइल है वहाँ पे एक्सेस उसको नहीं मिलने वाला है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आप किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल को या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप कैसे लॉक कर पाएंगे। सो हाय गाइस, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक ट्यूब। हमारे यहाँ पे लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी कैमरा, डेटा रिकवरी, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स, ये सब सारी चीजें बनती हैं। और हमारे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर्स के जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं या टिप्स ट्रिक जो उनके होते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। सो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करिएगा एक लाइक। सो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा एक पासबुक है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये पासबुक को लॉक कर दूँ और यहाँ पे कोई मेरा जो पासबुक है उसको ओपन ना कर पाए। तो उसके लिए देखिए, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, बहुत ही छोटे से स्टेप में मैं आपको समझाने वाला हूँ। किसी भी सॉफ्टवेयर, मतलब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही फ्री और बहुत ही छोटे से ट्रिप में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, किसी भी फाइल को या फिर किसी भी फोल्डर को अगर आपको लॉक करना है तो बस उसके ऊपर आपको करना है यहाँ पे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एड टू आर्काइव, और ऐसे जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए एक जो है कि सेटिंग आ जाती है। सेटिंग आने के बाद नीचे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट आपको यहाँ पे देखना है सेटअप पासवर्ड। सो हम लोग यहाँ पे सेटअप पासवर्ड पे यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, और जैसे ही आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल के, सपोज दैट हम लोग यहाँ पे 123 पासवर्ड यहाँ पे इसको करके और इसको हम लोग फाइल को यहाँ पे ओके कर देते हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हमारा जो पासबुक है अब कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये लॉक हो चुका है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं इसका आइकॉन चेंज करना तो आप यहां से जाके इसका जो आइकॉन वगैरह है वो भी यहां से आप चेंज कर पाएंगे। चलिए मैं वो भी चीज आपको दिखा दूं कहां से इसका आइकॉन वगैरह चेंज होगा। एक सेकेंड, चेंज आर्काइव सिक्योरिटी डिटेल्स। सो आपका इसका जो है आइकॉन भी यहाँ पे चेंज करने के लिए मिल जाएगा, बट अभी यहाँ पे जो है कि थोड़ा मुझे ढूंढना पड़ेगा, बट आप इसका जो आइकॉन है उसको यहाँ पे आप चेंज कर पाएंगे। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो फाइल है, जो फाइल को हमने यहाँ पे लॉक किया है उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी फाइल है यहाँ पे ओपन हो चुकी है, और ओपन होने के बाद हम लोग जैसे ही अपनी फाइल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे पासवर्ड को गलत डालते हैं तो आपकी जो फाइल है यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाएगी। तो ये जो है कि एक छोटा सा वीडियो था, और आपका जो फाइल है या फिर फोल्डर है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप किस प्रकार से आपके लैपटॉप में उसको सेव कर पाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रॉपर उसका जो पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं तो आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करिएगा एक लाइक, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को करिएगा सब्सक्राइब।